1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में कई ऐसे कानून थे जो अंग्रेज़ द्वारा बनाए गए थे वो चले आ रहे थे। बहरहाल जो संसद सत्र पिछले साल हुआ उसमें कई जो बड़े फैसले थे वो लिए गए थे, जिसमें आईपीसी के तहत आने वाले कई जो धाराएं थे उनमें संशोधन के साथ साथ नए कानून लागू करने की जो बात थी वो कही गई थी। ऐसे में अब आईपीसी की जगह देश में नया आपराधिक कानून जल्द ही लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में आगामी 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। पिछले साल 21 दिसंबर को संसद में तीनों कानून को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर को अपनी स्वीकृति इसको दी थी। दरअसल देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद में विधेयक पेश किया था। इसके बाद इसे गृह मामलों की संसद की अस्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पास कर दिया गया। संसद से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक नए कानूनों के प्रावधान आगामी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये तीनों कानून सदियों पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानून का उद्देश्य आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा देने, राज्य द्रोह को खत्म किए जाने और कई अन्य बदलाव के साथ राज्य के खिलाफ अपराध नामक एक सेक्शन को पेश करने और ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों को पूरा तरह से बदलने के लिए लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर है, जो बातें संविधान कहता है, ऐसे में संविधान के तहत अब जो बड़ा बदलाव है वो आईपीसी के इन तीन जब नए कानून लाए जाएंगे वो आईपीसी को कहीं ना कहीं अब साइड करेगा और जो लंबे वक्त से कानून देश के अंदर चले आ रहे थे उन्हें समाप्त करेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय संविधान को ये नए तीन कानून एक बड़ा बल देंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।